पिपरिया में इस समय दो दुकान अनियमितताओं लेकर काफी चर्चित है, तो कहीं मिलावट खाद सामग्री तो कहीं नकली बिल। पिछले दो माह में दो बार कार्रवाई हो चुकी, पहले खाद विभाग और राजस्व विभाग ने की और दोनों दुकानों को सील कर दिया। फिर बाद में जीएसटी भोपाल टीम ने इन दुकानों को सील किया और दोनों दुकानों पर 10 लाख का जुर्माना लगा दिया। दुकानों को खोल दिया गया पर छोटी मोटी कार्रवाई की रस्म अदायगी कर दी। पर जहां आज भी दुकानों पर मिलावट सामग्री मिल रही, फिर भी अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली। एक ओर मुख्यमंत्री कमलनाथ का साफ तौर पर कहना है कि मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं दुकानदारों पर मेहरबान होते नजर आए, जिसके चलते नकली खाद सामग्री और नकली बिलों से राजस्व चूना लगा रहे। अब देखना है कि होशंगाबाद जिले में तीसरी कार्रवाई लोकायुक्त की कब होती है। और भी ऐसे मगरमच्छ हैं जो शासन को 2 करोड़ का या करोड़ों का नुकसान लगा चुके हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट मध्य प्रदेश चैनल हेड सूरज सिंह राजपूत के साथ। टैक्स चोरी में पहली बार पिपरिया में कार्रवाई देखने को मिली है। होशंगाबाद जिले में पहली बार टैक्स चोरी में कार्रवाई की गई है। जीएसटी टीम ने, भोपाल की टीम ने लगातार दो बड़े प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की। जीएसटी की दो टीमों ने, एक मनोहर स्टोर और दूसरी अमृत किराना भंडार पर छापामार कार्रवाई की गई थी, जो कि लगभग 24 घंटे चली थी। इस कार्रवाई में दोनों दुकानों को सील कर दिया गया था, लेकिन यहाँ मनोहर स्टोर जो सील की गई थी रात में, आज उसे खोल दिया गया है।